आदित्यनाथ पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी ओंकार में अमौसी एयरपोर्ट से होंगे रवाना। 10:40 पर गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे हेलीपैड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर पहुंचेंगे। पालमपुर जनपद कांगड़ा में सीएम योगी की जनसभा है। 1 बजे रघुवीर स्टेडियम अन्नी में भी मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। पहाड़ पर चुनावी हुंकार भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी फिजाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज भी जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 बजे रघुवीर स्टेडियम अन्नी में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता भी हैं योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में उनके भाषणों को, उनकी स्पीच को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी खूब पसंद किया जा रहा है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी स्टार प्रचारक के तौर पर उनको जिस प्रदेश में भी चुनाव होते हैं वहां भेजती है। और ऐसे में अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांगड़ा में भी योगी की जनसभा, 1 बजे रघुवीर स्टेडियम में भी मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। जैसे जैसे चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हिमाचल प्रदेश में तमाम जनसभाएं बीजेपी की तरफ से संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। इससे पहले भी कई रैलियों में, कई जनसभाओं में वो हिस्सा ले चुके हैं और आज भी अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर बाद कांगड़ा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बजे रघुवीर स्टेडियम अन्नी में भी मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। और सीमा हमारे साथ मौजूद हैं, और ज्यादा बातचीत सीमा से करेंगे। यूं तो सीमा सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा भी हैं, फायर ब्रांड नेता के रूप में उन्हें मानते हैं। इससे पहले भी जिन जिन जगहों पर, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने भेजा। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी खूब सारी जनसभाएं करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और वहां के लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। सीमा, भी इसे कैसे देखा जाए? देखिए, जाहिर है कि वो ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल प्रदेश में चुनाव में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 रैली है फिर से जो है वो आयोजित होंगी वहां पर, और जिसके लिए वो थोड़ी देर में यहां से रवाना हो चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने कम से कम 9 रैलियां की हैं। 3 बार वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पे जो है वो जा चुके हैं और लगातार रैलियां सबको संबोधित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज पालमपुर में पहली रैली करेंगे और उसके बाद 2 रैलियां अन्य करेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट मांगने का काम करेंगे। देखिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मथुरा, काशी और अयोध्या जैसी जो यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं उनके उत्थान के लिए, उनको पर्यटन स्थल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस का इन स्थानों से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि हिंदुत्व की जो छवि है मुख्यमंत्री की उसको उन्होंने वहाँ भी प्रस्तुत किया है। और साफ तौर पर यही उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर, विकास और साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल है उनको हम पर्यटन के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो उत्तर प्रदेश में एक बेहतर ढंग से सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं, तो आने वाले समय में हिमाचल में भी इसी तरह का मॉडल जो है वो नजर आएगा। सीमा, ये तो महत्वपूर्ण बातें आप बता ही रहे हैं और साथ साथ योगी आदित्यनाथ खुद भी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, उत्तराखंडी चेहरा है, पहाड़ का वो चेहरा है, और ऐसे में अगर वो हिमाचल जैसे प्रदेशों में चुनावी जनसभा को संबोधित करते तो इसका खासा असर मिलता है और खासतौर से सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सीमा,
देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार किए जाते हैं और इसीलिए उनको स्टार प्रचारकों की सूची में जो है वो ऊपर रखा जाता है। यही वजह है कि हर जगह, चाहे छोटी जगह चुनाव हो या बड़ी जगह चुनाव हो, हर जगह उनकी रैलियां लगाई जाती हैं, रैलियों को वो संबोधित करते हैं जाकर और अपनी बातों को रखते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या कुछ किया है और भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे के तहत काम कर रही पूरे देश में, उन सब चीज़ों को रखते हैं। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री की फैन फॉलोइंग वह हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ जमा होती है, लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, तो साफ मैसेज है कि उनको लोग पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि उनको बार बार वहां पर दौरे करने जाना पड़ रहा है, वहां पर रैलियां करने जाना पड़ रहा है। और बस आज का शायद वक्त जो है वो बचा है और बाकी चुनाव होंगे तो नतीजे बिल्कुल, देंगे बिल्कुल। और देखिए पूरी जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम की लिस्ट है, देखिए सीमा वो भी हमारे पास आ चुकी है। हम खुद दर्शकों को बता रहे हैं बहुत सारे कार्यक्रम है, पूरा जो शेड्यूल है मुख्यमंत्री का बहुत बिजी रहने वाला आज का पूरा दिन, एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन रैलियों में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, तीन रैलियों में उनको हिस्सा लेना है। सबसे पहले तो वो 11:15 बजे तकरीबन पालमपुर पहुंचेंगे, वहां पर जो है पालमपुर की कांगड़ा जनपद कांगड़ा की पालमपुर विधानसभा सीट में वो चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद फिर वो अन्नी में विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद फिर ये आलू मैदान ठियोग में, ये इन जगहों पर वो जाकर जो है वो चुनाव प्रचार करेंगे और शाम में वो चुनाव प्रचार करने के बाद वो सीधे मथुरा के लिए रवाना होंगे जहां वो दो दिन के प्रवास पर रहेंगे। तो उनका ये शेड्यूल पूरा तय है कि कितने बज के कितने मिनट पर कहां से कहां जाएंगे और वो जाने के बाद प्रचार करेंगे और उसके बाद शाम में मथुरा आएंगे। बहरहाल जो मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरे लगाए जा रहे हैं और वो वहां पर पहुंचकर जो है वो जनसभाएं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सीमा, जानकारी आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारियों को।